Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I'm Ankit. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने बाल कैसे प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। आप सब लोग सोच रहे होंगे क्या इस टॉपिक पे भी वीडियो रिक्वायर्ड है? Then I would say yes, इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आधे से ज़्यादा मेरे भाइयों को ये पता ही नहीं है कि बालों में शैम्पू और कंडीशनर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। रॉन्ग तरीके से अपने बाल धोते हैं जिसकी वजह से उनको डैंड्रफ, इचीनेस, ड्राई स्कैल्प, हेयर फॉल ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। बट डोंट वरी गाइज, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको शैम्पू और कंडीशनर कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको बालों से रिलेटेड कम इश्यूज होंगे। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरह से गीला करना है। आपका स्कैल्प अच्छी तरह से गीला होना चाहिए। जब आपके बाल और आपके स्कैल्प अच्छी तरह से गीला हो जाए, आपको शैम्पू लेना है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लीजिए। उसके बाद आपको डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है, थोड़ा सा पानी मिलाइए, देन अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प एंड वॉश योर हेयर प्रॉपरली। आप जब भी शैम्पू लें तो आप थोड़ा सा उसमें पानी ज़रूर मिलाएं। इससे क्या होता है कि शैम्पू डाइल्यूट हो जाता है। उससे क्या होता है कि शैम्पू में जितने भी हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं, उनका असर थोड़ा कम हो जाता है और वो आपके बालों को कम नुकसान पहुंचाएंगे। शैम्पू अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरह से स्कैल्प को धोएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी स्कैल्प में होती है। शैम्पू करते टाइम आपको अपने स्कैल्प और अपने हेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, जेंटली करना है। आपको सर्कुलर मोशन में शैम्पू अप्लाई नहीं करना है, आपको अप एंड डाउन इस मोशन में शैम्पू अप्लाई करना है। बिकॉज जब आप सर्कुलर मोशन में शैम्पू अप्लाई करते हैं तो आपके बाल ज़्यादा टूटने के चांसेस रहते हैं। अगर आप अप डाउन की पोजीशन में शैम्पू अप्लाई करेंगे तो आपके बाल कम टूटेंगे। और जब आपको लगे कि आपने सारा का सारा एरिया कवर कर लिया है, आप उसको अच्छे से वॉश करिए। शैम्पू निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी शैम्पू उस स्कैल्प पे नहीं रहना है, पूरी तरह से वॉश करना है, अदरवाइज आपको डैंड्रफ या इची स्कैल्प के भी इशू हो सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने बालों में 2 मिनट से ज़्यादा शैम्पू मत अप्लाई करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 मिनट हो गए हैं आपको शैम्पू करते करते, तो आप प्लीज़ उसको इमीडिएटली वॉश करिए। इससे क्या होता है कि शैम्पू डाइल्यूशन के बाद भी कोई केमिकल अगर है और आपके बालों को डैमेज कर सकता है तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हेयर से रिलेटेड इश्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से शैम्पू नहीं निकालते हैं। शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा सा कंडीशनर लेना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि कंडीशनर आप सिर्फ बालों में ही लगाएंगे, आपको कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगाना है। एंड कंडीशनर लगाने के बाद आपको 5 या 10 मिनट वेट करना है एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ प्रॉपरली। कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शैम्पू के बाद। इससे क्या होता है कि आपके बाल सिल्की हो जाते हैं, आपके बाल शाइनी हो जाते हैं, आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल का लॉस हो चुका है वो वापस कर देता है। क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं तो जो भी स्कैल्प और बालों में नेचुरल ऑयल होता है वो सारा का सारा वॉश ऑफ हो जाता है, और कंडीशनर उस नेचुरल ऑयल की कमी को पूरा करने में काफ़ी मदद करता है। शैम्पू और कंडीशनर के बाद आपको अपने बाल ब्लो ड्राई नहीं करने हैं, लेट देम ड्राई नेचुरली। क्योंकि जब भी आप ब्लो ड्राई करते हैं तो आपके बाल काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है या फिर आप कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, सो लेट देम ड्राई नेचुरली, जिससे आपका हेयर लॉस कम होगा और हेयर से रिलेटेड इश्यूज भी कम होंगे। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको रियलाइज हुआ होगा कि आप अब तक अपने बाल गलत तरीके से धोते हुए आए थे, और अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपको हेयर से रिलेटेड काफी इश्यूज कम हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा आपको। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।